नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो फाइनली आज मैं आप सबके लिए फिर से 10वीं और 12वीं के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बिग न्यूज़ लेके आया हूं। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी। तो मैं आपको बता दूँ, पहले 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद 12वीं का रिजल्ट आएगा, वो भी इतने तारीख को। मैं आपको सब कुछ मैं लाइव प्रूफ में पढ़ के बताने वाला हूँ कि कौन चीज़ कब होने वाला है, कौन सा मतलब रिजल्ट कब जारी होने वाला है, कौन सा रिजल्ट कब जारी होने वाला है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने सब कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ मैं पढ़ के बताऊँगा, बस आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि मैं आप सबको वीडियो में सही से समझा सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे तुरंत मैं लेटेस्ट न्यूज़ करके मैं दिखाऊंगा, यूपी बोर्ड लेटेस्ट न्यूज़, मतलब इन लेटेस्ट न्यूज़ ये जारी किया गया है। तो मैं आपको सब कुछ मैं लाइव प्रूफ में यहाँ पे पढ़ के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने नेटवर्क नहीं स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 2 घंटे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे पुराने का ये न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सब कुछ मैं लाइव प्रूफ में दिखाने वाला हूँ ताकि आप सबको सही से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10वीं 2 घंटे पहले का ये न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है यूपी बोर्ड 10वीं 10th रिजल्ट 2021 10वीं के रिजल्ट पहले जारी कर सकता है। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकेंड्स में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। यूपी बोर्ड, ये है वजह। तो आपको क्या है वजह, मैं आपको पढ़ के बता दूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं का स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम रोल नंबर जारी कर दिए हैं। छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो हुई बात। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यहाँ ये लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSME इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में रिजल्ट जल्द जारी करने वाला है। रिजल्ट डेट की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है, मतलब इसी सप्ताह आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बोर्ड रिजल्ट 31 जुलाई से पहले जारी कर दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, और बोर्ड रिजल्ट 31 जुलाई से पहले जारी कर दिए जाएंगे, मतलब इसी महीने के अंत में आपका रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने पिछले माह जानकारी दी थी कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएंगे, मगर संभव है कि बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पहले जारी करे और 12वीं का बाद में। तो यहाँ पे ये भी कंफर्म हो चुका है आप सबको कि 10वीं का रिजल्ट पहले जारी होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 10वीं का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। तो अब मैं पढ़ के बताता हूँ 12वीं का कब जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह भी लिखा गया कि बोर्ड की तरफ से अभी रिजल्ट डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, मगर बोर्ड की तैयारियों में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 10वीं का रिजल्ट पहले जारी हो सकते हैं बोर्ड में, और 10 जुलाई को ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर, मतलब 10 जुलाई को अपने आधिकारिक वेबसाइट UPMSPEducation.in पर 10वीं के स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। मतलब आपको 10 तारीख को आपको जो रोल नंबर जारी किया गया है, तो जितने बच्चे डाउनलोड कर लिए रहेंगे तो वो भी देख भी सकते हैं। आपको मैं 12वीं का यहाँ पे देख सकते हैं, 12वीं के बारे में क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है 12वीं के स्टूडेंट के रोल नंबर अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और ना ही कोई जानकारी जारी की गई है। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं के लिए लगभग 27 लाख स्टूडेंट रजिस्टर है। बता दें कि दोनों कक्षाओं का रिजल्ट 31 जुलाई तक जारी किए जाने हैं, जिसका अर्थ है कि 12वीं के रोल नंबर डाउनलोड करने का लिंक भी जल्दी एक्टिवेट होगा। मतलब अभी रोल नंबर इनका डाउनलोड करने का लिंक नहीं एक्टिवेट हुआ है, तो जल्द ही डाउनलोड करने का एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया कि पहले 10वीं का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 12वीं का रिजल्ट आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं 27-28 तारीख तक आ सकता है रिजल्ट। तो ये न्यूज़ अभी तक आ रही है, तो अभी और कोई अपडेट आएगा तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी भाई लोग हो, आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।